शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ये सनु जी, बात करें अगर कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लगता है? देख रहे हैं कि 38,000 के बाद जो M6 कॉटन है 37 की रेंज में आ चुकी है, 37,000 की रेंज में। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कॉटन में अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमने हाई से नीचे आते भाव देखे और इंटरनेशनल मार्केट में भावों में कुछ नरमी रही है। हमें लगता है कि अभी कुछ भाव और नीचे की तरफ आ सकते हैं और एक्सपेक्टेड है कि नीचे 37,000 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा व्यू है कि अभी फिलहाल खरीदारी से रुकना चाहिए, थोड़ा करेक्शन आए 37,000 के आसपास तक तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। जी अनुजी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3,300 तक कीमतें जाती तो दिखी थी, लेकिन लेवल टच नहीं हो पाया था। 3,298 तक कीमतें ज्यादातर जाती नजर आई थी मैक्सिमम, लेकिन 3,300 का लेवल टच नहीं हो पाया था। अब देख रहे हैं कि 3,200 के लेवल्स पर ही ट्रेड हो रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो बिनौला खल में जो रेंज है, ये कब तक और देखने को मिलती रहेगी? देखिए, बिनौला खल में देखें तो हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हायर लेवल से कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, ज्यादा तेजी हम इसमें मान के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो आगे धीरे धीरे हरे चारे की डिमांड यहाँ पर रहेगी, क्योंकि हायर लेवल होने की वजह से जनरली जो व्यापारी हैं या फिर जो कैटल फील्ड के व्यापारी हैं वो इसको नहीं खरीदते हैं, वो दूसरे चारे में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे हायर लेवल पर डिमांड कम रहेगी और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाव अभी यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ ही आते हुए दिखाई देंगे। 3,100 तक का लेवल मुझे लगता है कि वो जल्दी ही देखने को मिल सकता है। जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।